में से बना सो रबजू लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव के लिए परमानेंट हेडक बने अवेसी। जी हाँ, वर्तमान समय में अवेसी तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। इसकी वजह यह है कि तेजस्वी यादव के पास भाजपा की रणनीतियों का जवाब तो है, लेकिन उनके पास अवेसी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। हम लगातार आपको खबरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अवेसी और अवेसी की पार्टी से विपक्षी परेशान है। पहले अवेसी की पार्टी AIMIM का प्रभाव बिहार के सीमांचल क्षेत्र तक ही सीमित नजर आ रहा था, मगर अब पार्टी ने अन्य इलाकों में भी अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अब सिर्फ कुछ इलाके तक ही वो सीमित नहीं रहे, बल्कि दूसरे इलाकों में भी उन्होंने पैर पसारा है, अपनी जड़ें जमानी जो है वो शुरू कर दी है। इससे राष्ट्रीय जनता दल की चिंता बढ़ गई है, बढ़नी भी चाहिए, बढ़े कैसे ना। गौरतलब है कि गोपालगंज में हुए उपचुनाव में AIMIM के कैंडिडेट ने 12,000 से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि RGD की हार का अंतर 1,800 से भी कम रहा। संभव है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी AIMIM बड़े स्तर पर RGD को नुकसान पहुंचा सकती है। जी हाँ, खबरें तो अक्सर यही निकल कर आती है। दरअसल अवेसी की पार्टी बिहार में दिन ब दिन ताकतवर होती नजर आ रही है। जी हाँ, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे पार्टी और मजबूती और मजबूत पकड़ अपनी बिहार में बना रही है, और मजबूत हो रही है पार्टी। और पार्टी सीमांचल के अलावे बिहार के अन्य इलाकों में भी खुद को मजबूत कर रही है। इसकी वजह से खासकर RGD की नहीं, जी हाँ आप बता दें कि RGD की नींद जो है इस वजह का हराम हो गई है, क्योंकि RGD के कोर वोटर मुस्लिम और यादव हैं। जी हाँ, मुस्लिम और यादव ही RGD के कोर वोटर है, जिसमें से मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए अवेसी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब अगर मुस्लिमों का झुकाव AIMIM के तरफ हो गया तो फिर राजद के लिए कोई भी सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब कोर वोटर ही कहीं और चले जाएंगे, कोर वोटर ही जब भटक जाएंगे, तो फिर जीत कैसे होगी पार्टी की। और मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा हो जाए तो फिर मुसलमानों का वोट मिलना जो दूसरे को है थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि भाजपा के कोर वोटर उनके साथ रहते हैं, पर राजद का कोर वोटर बिखर जाता है, जिससे ये साफ है कि राजद फिलहाल अवेसी के आगे धराशायी नजर आ रही है। जी आप बता दें कि धराशायी नजर आ रही है। इसकी जो आप बता दें कि इस पे बहुत कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, इसके राजद नेताओं के अंदर साफ दिखाई दे सकती है कि किस तरीके से जो अवेसी की पार्टी और अवेसी उनका हेडक बन गए हैं। गौरतलब है कि अवेसी पर BJP की बी टीम होने का आरोप लगते रहते हैं। जी हाँ, अक्सर ये बात सुर्खियों में आती है कि अवेसी BJP की बी टीम है। दरअसल उनकी पार्टी जिस सीट पर चुनाव लड़ती है तो वहां दूसरी पार्टियों के मुस्लिम वोटर्स उसके पास आ जाते हैं, इससे दूसरी पार्टियों को नुकसान होता है। नुकसान तो होगा ही, वोटर्स इधर उधर जाएंगे तो नुकसान तो होगा ही। खैर, विभिन्न पार्टियां चाहे जो भी कहे, पर अवेसी ने जिस तरह से बिहार में मजबूती से अपना कदम जमाया है, उसको देखते हुए मौजूदा समय में तेजस्वी के लिए सरदर्द से कम नहीं है। जी हाँ, अवेसी और अवेसी की पार्टी जो है वो लगातार सरदर्द बने हुए हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। सदर की रिपोर्ट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।